हेलो दोस्तों, आए दिन बात होती है कि महात्मा गांधी, कांग्रेस या फिर अंग्रेज़ों ने डायरेक्ट 1947 को, 14-15 अगस्त को पाकिस्तान को अलग कर दिया। कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं हुआ, बस अलग कर दिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बना और ऐसे ही नहीं अलग हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। 1930 से साफ तौर पर स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, भारत को हम एक भारतीयता अपने नज़र से अगर देखें तो हमारे लिए नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद ये हो जाएगा कि हम भारतीय हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं अगर कोई हमसे पूछेगा। और हमारी भाषा हिंदी है, हम तमिल की बजाय प्रेफर करेंगे हिंदी को, क्योंकि हम हिंदी बोल रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा एथनिसिटी है, जो हमारे रिलीजन है, जो हमारे कल्चर हैं, हम उनको प्रीफर करेंगे औरों की बजाय, इंडिया राष्ट्रवाद से। तो सेम इसी तरह से भारत में जितने भी ट्राइब्स हैं, जितने अलग कल्चर हैं, एथनिसिटीज़ हैं, लोग हैं, उनके लिए राष्ट्रवाद उनके हिसाब से वो हो सकता है। हो सकता है वो जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो डिफरेंट हो, हमें सही ना लगे राष्ट्रवाद की परिभाषा, लेकिन वो भी हो सकता है उनके लिए। क्योंकि दोस्तों, अगर हम उनका विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वल्लभ भाई पटेल के मर्जर को, उनकी संधि को अपमानित करते हैं, उनको इज्जत ना देके, उनको सम्मान ना देके। तो ऐसे में दोस्तों, मुस्लिम लीग ने जब भारत से अलग होने की बात कही थी तो 1940 में उन्होंने ये मांग की थी, और उसी टाइम पे एक आया था अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव था क्या, हम इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रांग बेस तैयार हो जाता है पाकिस्तान के डिमांड का। तो इसके बारे में देखते हैं। तो होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की असाधारण सफलता होती है और फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम हार जाते हैं बुरी तरह से। और इसके पश्चात ब्रिटेन बहुत कमज़ोर हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में, जबकि ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर है, तो वो भारत से सहयोग के लिए समझौता चाहते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है कि हाँ, उनका काफ़ी विरोध होगा और बिना समझौते के यहाँ के वो साथ नहीं पा पाएंगे। तो 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिन लिथगो ने भारतीयों के लिए घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रस्ताव के बिंदु कुछ इस तरह थे कि भारत के लिए डोमिनियम स्टेट मुख्य लक्ष्य होगा, मतलब भारत को एक स्वतंत्र अधिकार दिया जाएगा, एक अलग राज्य दिया जाएगा, एक अलग अलग स्टेट की पहचान दी जाएगी। सेकंड बिंदु था कि भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी, और युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः भारतीय ही अपनी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। और संविधान ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, राज्यों से संधियां तथा अखिल भारतीय सेवाएं आदि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले एक और संविधान टाइप का ही आ गया था, 1935 भारत सरकार का अधिनियम, जिससे कि मेजोरिटी अपना भारत संविधान लिया गया था। फिर भी चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पे। और इसका जो चौथा पॉइंट था वो था, अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। मतलब अंग्रेजों का साफ साफ ये रुख था कि वो किसी भी ऐसे इंसान के हाथ में सत्ता नहीं सौंपेगी जो टू नेशन थ्योरी को मानते हों। लाइक उन्होंने मुस्लिम लीग को इससे काफ़ी दूर रखा, उन्होंने डायरेक्ट भारत की सत्ता नहीं दी, क्योंकि उनको पता था वो कहीं ना कहीं बुरा ही करेंगे। और सेम इसी तरह था कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद जैसे जो ग्रुप्स थे उनको सत्ता से दूर रखा। तो अंग्रेजों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है एक भारत को पंथ निरपेक्ष और इतना अच्छा राष्ट्र बनाने में। और अगला नंबर आ जाता है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। अब होता क्या है कि भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई थी, और कांग्रेस की संविधान सभा का गठन करने की मांग को भी स्वीकार किया गया था। अब राष्ट्रवादी आंदोलन में यह मांग लंबे समय से जारी रही थी, और नेहरू रिपोर्ट भी इससे पहले 1928 में आ चुकी थी, जिसमें उन्होंने अपना संविधान निर्माण करने की क्षमता को साबित किया था। लेकिन फिर भी इसे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में थोड़ी सी इससे सहमत
होती दिखी थी, लेकिन हिंदू वर्चस्व के सभी मुस्लिम आशंकाओं के लिए अगस्त ऑफर इस वादे के साथ था कि भविष्य का संविधान अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान रखेगा और मुस्लिम लीग लिन लिथिकों की पेशकश से संतुष्ट बारे में नहीं हुई और इसे सितंबर में ही खारिज कर दिया। तो असल में ये होता है सब कि अगस्त प्रस्ताव में ये बिंदु थे और यहीं से प्रीफेस स्टार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं एक अलग स्टेट पाने का मुस्लिम राज्य का। तो मैं आपको कैबिनेट मिशन को भी डिटेल में बताऊंगा, उसमें बताऊंगा किस तरह से अंग्रेज़ों ने फिर भी भारत को एक रखने की कोशिश की थी। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि भारतीयता और राष्ट्रीयता केवल उन्हीं के लैंग्वेज से है, उन्हीं के एथनिसिटी से है, तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि जितने भी वाद विवाद हुए थे भारतीय संविधान तैयार होते होते, आपको मैं एक और किस्सा बताना चाहूँगा कि 1947 समथिंग पे ही धुलेकर थे, यूपी से बिलोंग करते हैं, ऐसे महाराष्ट्रियन मूल के हैं, उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तानी, जो कि हिंदी और उर्दू का मिक्स्ड अप है, वो भी भारत की भाषा नहीं होनी चाहिए, बल्कि शुद्ध हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और अगर जो इसे नहीं मानता वो भारतीय नहीं, वो देशद्रोही है, उन्होंने तब कह दिया था। मतलब तमिल्स, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मतलब हम भारतीय किसे मान रहे हैं तब? गिने चुने कुछ लोगों को, क्योंकि MP यूपी में भी सभी लोग तो प्योर हिंदी बोलते नहीं, हम आदिवासी की भाषाओं को भी हम भूल जाते हैं। तो ऐसे कट्टरपंथी लोग भी रहे हैं जिनको अतिवाद, नेशनलवाद ऐसा लगा कि उनको खुद के विचार के आगे कुछ दिखा नहीं, सूझा नहीं। इसीलिए किसी पे ब्लेम करने से अच्छा है कि हम अच्छे से पढ़ें और सभी के नज़रिए से इतिहास को समझें। तो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में क्रिप्स मिशन, विबल योजना, कैबिनेट मिशन, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे।